हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है पिका कार्ड रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है 2020 लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि 2020 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पे मेरे पास तीन सेट्स हैं, एक बे लीफ है, एक में ये वाइट क्रिस्टल है और एक में ये सिनेमन स्टिक है, दालचीनी। तो अपने बारे में सोचते हुए या 2020 में जो भी अभी आपकी लव लाइफ में चल रहा है या जो भी करंट सिचुएशन है उसको विजुलाइज़ करें, 2020 को विजुलाइज़ करें और जो भी पाइल सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कर लें। और अगर यहाँ पे आप वीडियो पॉज करना चाहते हैं, आप थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी पाइल आपको सबसे पहले दिखता है आप उसको चूज़ कर लें और इंट्यूटिवली चूज़ करें, बहुत ज़्यादा लॉजिकली एनालाइज ना करें, क्योंकि अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड यस, इससे पहले कि हम शुरू करें, एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये जेनरिक रीडिंग है तो हो सकता है कि 100% आप लोगों के साथ ना रेजोनेट करे और 70-80% रेजोनेट कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। नहीं तो इस रीडिंग में ज़रूर कोई ऐसा मैसेज है, कोई ऐसी बात है जो आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपके सामने ये रीडिंग आई है और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली कोई चीज़ है यूनिवर्स आपको बोलना चाहता है, आप उस मैसेज को ले सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आप लोगों ने बे लीफ वाला पाइल चूज़ किया है तो आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एट ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, लेजीनेस, मैच्योरिटी, आइसोलेशन, आई लाइक यू, कॉफ़ी कप, गर्ल टॉक। और ये जो ओरेकल कार्ड्स में से हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो अगर आपने पाइल वन चूज़ किया है, मुझे दिख रहा है कि 2020 में कोई चीज़ है जिसे छोड़ के आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जेनरिक रीडिंग है तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं, या आपके कुछ सोचने के तरीके हैं, आपके बिलीफ पैटर्न्स हैं, आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं जिनको आप 2019 में छोड़ना चाहते हैं और 2020 में आप एक नई बिगनिंग चाहते हैं, नई स्टार्ट चाहते हैं, या हो सकता है ये चेंज ऑफ प्लेस हो, चेंज ऑफ लोकेशन हो, जहाँ पे आप रहते हैं कोई जगह है जिसको आप छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो बहुत क्लियरली कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि कोई चीज़ आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि इनिशियली ये चीज़ आपको किसी लेवल पे परेशान करे, आपको किसी लेवल पे एक आप उदास फील हो, यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि जब आप ये छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, बहुत ज़्यादा एक कंफर्ट, सिक्योरिटी, अगर आप इस कार्ड को देख सकते हो तो इसमें लेजीनेस लिखा हुआ है और यहाँ पर ये जो इंसान है वो बहुत मस्ती, बहुत मज़ा करते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। और यहाँ पे मेरे पास दो कार्ड्स हैं जो कि मुझे कहते हैं नई बिगनिंग होगी, एक एस ऑफ पेंटिकल्स है और मैच्योरिटी है। तो ये दोनों ही सेम कार्ड्स हैं डिफरेंट डेक से। तो एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे कहता है एक नई बिगनिंग होगी जिसमें हो सकता है आपके लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आए, हालांकि ये लव रीडिंग है बट पेंटिकल्स का कार्ड है तो एक सिक्योरिटी मुझे दिख रहा है ये नई बिगनिंग आप लोगों के लिए लेकर आएगी। अगेन वो किसी भी लेवल पे हो सकता है, हो सकता है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो या अदरवाइज एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी जैसे ही आप इन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। और वो इमोशंस हो सकती हैं, लव फीलिंग्स हो सकती हैं किसी के लिए जिनको आप 2019 में छोड़ रहे हैं और 2020 में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी चीज़ आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं ये आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रहा है 2020 में। और आप बहुत ही मैच्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप इस कार्ड में देखें तो ये जो फीमेल हैं इनके माइंड के अंदर बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। तो एक अपने लिए पॉजिटिविटी आप लेकर आ रहे हैं 2020 में, या जो चीज़ आप छोड़ रहे हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है, बहुत ज़्यादा एक आप सुकून, एक आप पीस महसूस करेंगे 2020 में। एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टेस रिवर्स है जो कि मुझे कहता है हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पीछे वाइजली चले हैं, बहुत ज़्यादा आपने चीज़ों को बर्दाश्त किया है या आप बहुत ज़्यादा क्वाइट रहे हैं और अब 2020 में आपको ऐसे लग रहा है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में नहीं सोचना या बहुत ज़्यादा मुझे चुप नहीं रहना किसी भी चीज़ के लिए, जहाँ पे ज़रूरत होगी ज़रूर मैं बोलूँगी या बोलूँगा, समथिंग लाइक दैट, ऐसी फीलिंग हो सकती है। और
कहीं यू नो आप हो सकता है कि ओपन अप भी हो नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नए ऑप्शंस के लिए, नई चॉइसेस के लिए। और यहाँ पे लव जो ओरेकल है उसमें से हमारे पास कार्ड्स हैं आई लाइक यू कॉफ़ी कप एंड गर्ल टॉक, जो कि मुझे ये कहता है कि आपकी लाइफ में कोई है जो आपको बोल रहा है आई लाइक यू। मैं एक बारी आपको पढ़ के भी दिखा देती हूँ कि क्या ये कार्ड्स कह रहे हैं। सो आई लाइक यू कहता है समवन लाइक्स यू, रोमांस इज ब्लूमिंग, फन, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। एंड गर्ल टॉक कहता है टाइम विद फ्रेंड्स, मूव ऑन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट, हैविंग फन। कॉफी कप कहता है मीटिंग एंड कन्वर्सिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग अपलिफ्टेड, फ्रेंडशिप्स। तो अगर मैं ब्रॉडली बोलूँ तो 2020 में मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप भी अभी प्रिपेयर नहीं हैं किसी बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप के लिए, किसी बहुत ही यू नो कमिटेड रिलेशनशिप के लिए। हो सकता है पास्ट में आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है या कोई भी और रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से अभी आप खुद भी मुझे दिख रहा है कि रेडी नहीं हैं किसी भी कमिटमेंट के लिए या किसी भी नए रिलेशनशिप के लिए। या अगर आप चाह भी रहे हैं तो मुझे दिख रहा है 2020 में कोई बहुत ज़्यादा एक कमिटेड रिलेशनशिप या बहुत ज़्यादा कोई एक सीरियस रिलेशनशिप मुझे आपकी लाइफ में नहीं दिख रहा है, बल्कि मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, आप हेल्दी फ्लर्टिंग कर रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ हो रही है, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और आपके लिए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और रोमांस है लाइफ में, लेकिन वो एक लाइट रोमांस है, एक फन वाला रोमांस है, एक मस्ती मज़े वाला रोमांस है, सीरियस नहीं है। और लोग आपसे बोल सकते हैं कि वो आपके साथ डेट करना चाहते हैं, वो आपके साथ मिलना चाहते हैं। यहाँ पे कॉफ़ी कप का कार्ड है जो कि मुझे कहता है कि हो सकता है किसी एक से या हो सकता है ज़्यादा लोगों से आप मिलें, बातचीत करें, आप डेट पर जाएँ, हेल्दी आपकी कॉन्वर्सेशंस हों, हेल्दी आप लोगों की बातचीत हो। और गर्ल टॉक मुझे कहता है हो सकता है कि यू नो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा इन्जॉय करें। यहाँ पे गर्ल टॉक लिखा है बट ज़रूरी नहीं है कि ये गर्ल्स के लिए ही है। कहने का मतलब है जो भी आप हैं, अगर आप फीमेल हैं तो और जो भी आपकी फ़ीमेल फ्रेंड्स हैं, या अगर आप मेल हैं तो जो भी आपके मेल फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पे हैप्पीली सिंगल का है तो हो सकता है बहुत सारे लोग पाइल वन जिन्होंने चूज़ किया है वो बहुत खुशी खुशी सिंगल रहना चाहते हैं, या जो लोग सिंगल नहीं रहना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप डेट पे जा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट अभी आप किसी भी सीरियस या किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी नहीं हैं। तो ऑल इन ऑल मैं देखूँ तो आप बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, आप बहुत मस्ती कर रहे हैं, आपकी लाइफ में रोमांस है लेकिन फ़न मज़ा मस्ती वाला है। और अगर हम अब ओरेकल कार्ड से देखें कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी तो मूनोलॉजी में से यहाँ पे कार्ड्स हैं म्यूटेबल मून, जो कि कहता है नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन। हो सकता है कि अभी आप सोच रहे हो कि आपने अभी थोड़े टाइम तक किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं जाना है, या आप you know, अभी किसी भी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं, या हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हैं जो आपको लगता हो इम्पॉसिबल हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो कार्ड्स आपको कह रहे हैं नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। या फिर you know, कोई आपका रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको कोई उम्मीद ही नहीं है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कार्ड्स कह रहे हैं नथिंग इज़ येट इन सेट इन द स्टोन कि कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और दूसरी चीज़ कार्ड्स बोल रहे हैं डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, तो पास्ट की कोई भी चीज़ें हैं जो करंटली अगर आपको बॉदर कर रही हैं या सॉरी आपको 2020 में बॉदर करें, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो कार्ड्स हैं, एक है एट ऑफ कप्स जो कि मुझे कहता है कोई चीज़ आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, एक यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड है जो कि मुझे कहता है किसी लेवल पे हो सकता है कि आप परेशान हो कुछ चीज़ों को लेके। और जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो पास्ट हो जिसको सोच के आप परेशान हो, तो कार्ड्स आपको यही बोल रहे हैं कि पास्ट को आप इतनी भी पावर, इतनी भी अथॉरिटी ना दें कि वो आपको आगे ना बढ़ने दे, वो आपको किसी लेवल पे स्टक करे, किसी लेवल पे आपके लिए ऑब्स्टिकल बने। तो
पास्ट को आप किसी भी तरीके से अपने आप को रोकने ना दें, आप बिल्कुल फ्री होके आगे बढ़ें और फ्रीली अपने चॉइसेस को, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। और दूसरा कार्ड कह रहा है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो अगेन कार्ड्स मुझे यही कह रहे हैं कि पास्ट में अगर आप बैठे रहेंगे, पास्ट में अगर आप सोचते रहेंगे, उसके लिए आप उदास रहेंगे, तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। और ज़्यादा आप अपने लिए परेशानियाँ, और ज़्यादा आप अपने लिए तकलीफ़ें इन्वाइट करेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी चीज को छोड़ के आगे बढ़े हैं तो अब आप उसको कंप्लीटली छोड़ दें, अपने माइंड से भी उस चीज को निकाल दें, क्योंकि उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि आप और परेशान होंगे। और यहां पे गाइडेंस कार्ड्स में से हमारे पास है लीप एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि नए बिगनिंग्स होंगी, नए चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव स्टार्टिंग होगी, बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में 2020 में। और यहाँ पे लीप का कार्ड है जो कि कहता है यू गो फर्स्ट द यूनिवर्स विल कैच यू। तो हो सकता है कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं या किसी भी वजह से आप थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो रहे हैं, और आप किसी लेवल पे अपने आप को रोक रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास कार्ड है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो हमें कार्ड्स पास्ट बोल रहे हैं या कोई भी चीज़ जो आपको होल्ड बैक कर रही है और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो यहाँ पे लीप कार्ड मुझे कह रहा है कि आप बिल्कुल यूनिवर्स पे फेथ करें, और जो भी आपको एक कदम आगे बढ़ाने हैं अपनी नई बिगनिंग के लिए वो आप करें। क्योंकि अगेन मैं एक बारी पढ़ देती हूँ, यूनिवर्स आपको कह रहा है यू गो फर्स्ट, आप आगे बढ़ें, द यूनिवर्स विल कैच यू, और यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको गिरने नहीं देगा। तो अगेन मैं आपको यही कहूँगी, जो भी नई ऑप्शंस हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आप एक्सप्लोर करें। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको लोग अटेंशन दे रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आई लाइक यू का कार्ड है, रोमांसेस ब्लूमिंग का कार्ड है, फ्लर्टिंग का कार्ड है। तो आप इन्जॉय करें ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, और हेल्दी तरीके से इनको लें। यहाँ पे गया ओरेकल में से कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं ट्री ऑफ लाइफ एंड सर्च। तो हो सकता है कि कहीं 2020 में जैसा आप पार्टनर अपने लिए चाह रहे हैं या जो भी आप चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में, उसकी एक सर्च कहीं चलती रहेगी। दो आप लोगों से मिल रहे हैं, आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, मस्ती है, मज़ा है, फन है आपकी लाइफ में, बट हो सकता है डीपर लेवल पे कहीं एक सर्च चल रही है, कहीं आप ढूंढ रहे हैं कि जो मुझे चाहिए या जो इंसान या जैसा इंसान मुझे चाहिए वैसा मुझे मिले। और हो सकता है अगर आप ये ट्रस्ट करेंगे, यूनिवर्स पे लीप ऑफ फेथ लेंगे, अपने ऑप्शंस, अपनी चॉइसेस को एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको ये मिलेगा भी। एंड यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ है जो कि कहता है फर्टिलिटी, क्रिएटिविटी, डेस्टिनी, मैजिकल ब्लेसिंग्स। तो यूनिवर्स, अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि ब्लेस कर रहा है, यूनिवर्स आपके साथ है, आप लीप ऑफ फेथ लें, आप आगे बढ़ें। तो ऑल इन ऑल 2020 बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। अगर आपके लाइफ में अभी लव नहीं है तो हो सकता है कि मज़ा मस्ती वाला लव और रोमांस आपकी लाइफ में रहे और आप उसको इन्जॉय कर रहे हैं। और हो सकता है कि जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में भी हैं, जो लोग एक सीरियस रिलेशनशिप में भी हैं, उनकी लाइफ में भी एक मस्ती मज़ा ओवरऑल रहेगा 2020 में आप लोगों की लाइफ में। तो ये थी पाइल वन आप लोगों के लिए 2020 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप लोगों ने वाइट क्रिस्टल वाला सेट चूज़ किया है, तो आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, द टॉवर, स्लोइंग डाउन, न्यू विजन, न्यू थिंगनेस। लव ओरेकल से है लव कॉल, डेट, फोटोग्राफ। और ये ओरेकल कार्ड्स वाले मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या कह रहे हैं। तो पाइल टू, सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है आप लोगों की रीडिंग में, वो ये है कि 2020 में आप लोगों की लाइफ में लव रहेगा। हो सकता है कि कोई नया लव आए, या जो भी रिलेशनशिप में आप हैं, जो भी आपकी लव लाइफ में चल रहा है, वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो। यहाँ पे लव कॉल का कार्ड है जो कि मुझे कहता है समवन एक्सप्रेसेस लव, अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू एंड लेटिंग यू नो। तो मुझे दिख रहा है जो भी आपकी लाइफ में हैं, वो बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को, बहुत ज़्यादा अपनी जो भी वो महसूस कर रहे हैं उसको वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। काफ़ी आप लोगों की बातचीत हो रही है, काफ़ी डिस्कशंस चल रहे हैं, काफ़ी आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं,
हैं। तो कहने का मतलब है कि लव आपकी लाइफ में है, पुराना है तो वो और स्ट्रेंथन हो जाएगा, और अगर नहीं है तो मुझे दिख रहा है कि आएगा। और जो भी इंसान आएगा वो बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को, बहुत ज़्यादा अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस करेगा। यहाँ पे दूसरा कार्ड है डेट, जो कि अगेन मुझे वही चीज़ बोल रहा है कि हो सकता है 2020 में आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलें, बहुत ज़्यादा आप लोग बातचीत करें, बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करें। और ये फोटोग्राफ कार्ड मुझे बोलता है कि बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली ये बोलता है, हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आए तो वो बहुत ज़्यादा आपको बोलें कि वो आपको मिस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपकी फ़ोटोग्राफ्स में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं, या हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक करें। आई नो आजकल तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं, बट हो सकता है जितना आप नॉर्मली करते हैं उससे ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स पे, पिक्चर्स पे आप लोगों का फोकस रहे, आप लोग नई मेमोरीज़ बनाएं, नई तरीके से चीज़ों को शुरू करें, क्योंकि यहाँ पे फोटोग्राफ का कार्ड है। और दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है पाइल टू की, आप लोग बहुत ज़्यादा सोच समझ के चल रहे हैं। यहाँ पे स्लोइंग डाउन का कार्ड है। दो आपकी लाइफ में कोई है जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, बट कहीं आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप रियलिस्टिक हो रहे हैं, थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि आप स्लो कर रहे हैं अपनी स्पीड को और सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही क्लियर स्लोइंग डाउन का कार्ड है और रिफ्लेक्शन का कार्ड है, जो कि अगेन मुझे यही बोलता है कि बहुत ज़्यादा आप सोच समझ के आगे चल रहे हैं। एंड हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आएं जो आपके हिसाब से ना हो, बट जो अच्छी बात मुझे दिख रही है कि सिचुएशन आएंगी भी तो निकल जाएंगी, या हो सकता है कि 2019 में आपने थोड़ा सा एक टफ फेज देखा हो, टफ पीरियड देखा हो अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, तो मुझे दिख रहा है कि 2020 में आप सडनली उसमें से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे टॉवर का कार्ड मुझे यही कहता है कि जो भी सिचुएशन ऐसी आएगी उसमें से आप तुरंत ही बाहर निकल जाएंगे। और जो दूसरी बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है कि आप चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिवली ले रहे हैं 2020 में, क्योंकि लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे ही, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि लाइफ बहुत ही अच्छी हो, मतलब हरदम एक सी हो और हरदम बहुत अच्छी हो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर कोई चीज़ें आपके हिसाब से नहीं भी हो रही तो भी आप उसमें जो भी पॉजिटिव है उसको देख के आगे बढ़ रहे हैं। और जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है पाइल टू की, लक इज़ ऑन योर साइड। यहाँ पे मूनोलॉजी में से न्यू मून इन सेजिटेरियस का कार्ड है, तो भाग्य आपका साथ दे रहा है, लक, फॉर्चून, डेस्टिनी सब आपको फेवर कर रहे हैं। हो सकता है इसीलिए भी आप थोड़ा सा ये पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रख पा रहे हों, और जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उसमें से आप निकल पा रहे हों, तो लक आपको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है। और यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी इज़ अहेड का कार्ड है, तो जो भी आपकी लव लाइफ में हो रहा है मुझे दिख रहा है आपको अबंडेंस रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा रहेगा 2020 में आपकी लव लाइफ में। और यहाँ पे एक जो कार्ड है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो, मुझे कहता है कि थोड़ा सा ईगो इश्यूज हो सकते हैं, और हो सकता है ये आपकी तरफ से ज़्यादा हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप कहीं स्लो डाउन कर रहे हैं, आप थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो हो सकता है किसी लेवल पे एक ईगो आ जाए, एक प्राइड आ जाए, तो उसको अपने रास्ते में ना आने दें। आपको कार्ड्स बहुत ही क्लियरली बोल रहे हैं कि वो एक रुकावट हो सकती है, उसकी वजह से आप चीज़ों को मतलब ख़राब ना करें, आप चीज़ों को गलत डायरेक्शन में ना जाने दें, तो ईगो का आप ध्यान रखें। आप सोच समझ के चल रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे स्टार मदर का कार्ड है, जो कि मुझे कह रहा है हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ, विच मीन्स कि आप अपने ऊपर हो सकता है 2020 में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हों, कि कैसे आप अपने आप को और बेटर करें, कैसे आप अपने लिए और अच्छा करें, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है, और स्पेशली लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम खुद को भूल जाते हैं, और वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि नॉर्मली बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे कार्ड मुझे बोल रहा है कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आप ज़रूर दें, बट अगेन एक बहुत ही थिन लाइन होती है सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में, तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट रखें लेकिन ईगो को ना आने दें। तो ये कार्ड्स कहीं एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपने आप को लव करें, बट
ईगो को ना आने दें अपने रिलेशनशिप्स में। एंड यहाँ पे मूनलाइट गॉडेस का कार्ड है जो कि मुझे कहता है रिप्रेस्ड इमोशंस, हीलिंग्स, रिफ्लेक्शन। तो अगेन मुझे यही कह रहा है कि हो सकता है कि बहुत सारी जो आपकी दबी हुई इमोशंस थी, दबी हुई फीलिंग्स थी, या कभी आपको पहले किसी ने इतना एक्सप्रेस नहीं किया, या मैंने कहा कि पुराना रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, तो जो भी अंदर दबे हुए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, मुझे दिख रहा है कहीं वो बाहर निकलेंगे। 2020 विल बी अ पीरियड ऑफ हीलिंग। 2020 विल बी अ पीरियड जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं कि पीछे क्या आपके लिए काम नहीं किया, जो आपको नहीं आगे करना है और क्या आपको आगे करना है। तो ऑल इन ऑल मैं देखूँ बहुत अच्छा रहेगा 2020 आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों की लव लाइफ के लिए। यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि मुझे कहता है हो सकता है जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक से ज़्यादा ऑप्शंस रहें और उनके लिए ज़्यादा चॉइसेस हों जिनको वो सोच रहे हैं, जिनके बारे में वो कंसिडर कर रहे हैं। या हो सकता है अगर आप पहले से ही कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आप अपनी लव लाइफ और बाकी चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर रहे हैं, और मुझे दिख रहा है आप बहुत ही अच्छे से कर भी पा रहे हैं। या हो सकता है कोई आपको डिसीजंस लेने हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, बट मुझे दिख रहा है कि आप सोच समझ के चल रहे हैं, नए तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, लक आपकी साइड में है, डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है, तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए पाइल टू 2020, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ, स्पेशली आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड। तो ये थी पाइल टू आप लोगों के लिए लव टैरो रीडिंग। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपकी आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप लोगों ने सिनेमन स्टिक वाला सेट चूज़ किया है तो आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 of Swords, जस्टिस रिवर्स, डेथ, पॉलिटिक्स, करेज, सोरो, द स्नेक, कैसेड एंड ड्रैगन फ्लाई। और ये जो ओरेकल कार्ड्स हैं इसमें मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये क्या कह रहे हैं आपको। तो पाइल थ्री, इससे पहले कि मैं आप लोगों की रीडिंग शुरू करूं, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि टैरो हमेशा ही फ्यूचर जानने के लिए नहीं होता, मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ये गाइडेंस के लिए होता है कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आपके कार्ड्स मुझे ज़्यादा आप लोगों के लिए गाइडेंस दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं जो कि मुझे बोलते हैं कि 2020 में या अभी भी अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड है जो कि मुझे कहता है कि हो सकता है 2020 में आप किसी ऐसे इंसान से मिलें, या अभी भी अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हों, आपके साथ बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिकली चल रहे हों। और अगर आप इस कार्ड में देखें तो हो सकता है कि वो आपको अपना असली चेहरा या अपना रियल सेल्फ ना दिखा रहे हों, या आप नहीं देख पा रहे हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। और यहाँ पे स्नेक का कार्ड है जो कि मुझे कहता है कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है, या तो आप तीसरे हैं उनकी लाइफ में या आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई तीसरा है। तो अगेन मैं आपको कहूँगी कि अगर अभी किसी भी रिलेशनशिप में आप हैं और आपको ऐसी फीलिंग हो रही है तो ज़रूर आप चेक कर लें, या 2020 में आप किसी से मिलें तो ज़रूर आप इस चीज़ को चेक करके, इस चीज़ की जानकारी थोड़ी सी रखते हुए माइंड में आप आगे बढ़ें। क्योंकि यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई का कार्ड है जो कि मुझे कह रहा है बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स कमिंग टू लाइट, अडैप्ट चेंज एंड हील, कि कुछ चीज़ों को एक रिलेशनशिप में जानने से पहले आपको जानने की ज़रूरत है, कुछ नॉलेज उस एरिया में आपको लेने की ज़रूरत है इससे पहले कि आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाएं। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं पाइल नंबर 3, तो मुझे बहुत ही मिक्स्ड दिखा रहे हैं कार्ड्स। एक तो आप लोगों के लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि आप थोड़े से कॉशियस रहें, और दूसरी चीज़ कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। एमेथिस्ट का कार्ड है और यहाँ पे सेक्रेड हार्ट का कार्ड है जो कि मुझे कह रहा है पैशन, लव, स्पिरिचुअल कम्युनियन। तो हो सकता है 2020 में आप कुछ अच्छे लोगों से मिलें, कुछ बहुत अच्छे लोगों से ना मिलें, या कुछ ऐसे लोगों से मिलें जिनकी इंटेंशंस अच्छी ना हों। तो कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर कोई इंसान ऐसा है जो अच्छा नहीं है, जिसकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, तो आप थोड़े से कॉशियस रहेंगे तो आप वो सिचुएशन एक अवॉइड कर पाएंगे, और अच्छे लोग जो आपकी लाइफ में मिलेंगे आप उनके साथ रिलेशनशिप में जा पाएंगे, आप उनके साथ
अपनी दोस्ती, अपना रिलेशनशिप आगे लेकर जा पाएंगे, क्योंकि सेक्रेड हार्ट मुझे बोलता है कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल कम्युनियन होगा, कोई सोलमेट या कोई एक अच्छा इंसान आपको मिलेगा, पैशन होगा, लव होगा, और एक सर्टेनिटी बता रहे हैं कि डेफिनेटली ऐसा होगा, और प्रॉस्पेरिटी लाइज एहेड मुझे बता रहा है कि अबंडेंस होगा। लेकिन अगेन कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और अगर इन लोगों को आप नहीं कॉशियस रहेंगे इन लोगों के लिए, तो फिर अगेन एक सौरो रह सकता है, यहाँ पे सौरो का कार्ड है, चैलेंजेस रह सकते हैं, सिचुएशंस काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, और यू नो पेनफुल एंडिंग्स हो सकती हैं, आपको ऐसे लग सकता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आपके साथ न्याय नहीं हुआ। तो पाइल थ्री, अगर मैं एक ब्रॉडली आपकी रीडिंग देखूं, तो मैं आपको यही कहूंगी कि अगर किसी रिलेशनशिप में आप अभी हैं और आपको सही फीलिंग नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अगेन इनर टेंपल का भी कार्ड है हमारे पास, और यहाँ पे मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट का भी कार्ड है, जो कि मुझे कह रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुने, जो भी आपकी अंतर आत्मा कह रही है उसकी ज़रूर सुने। तो अगेन यू नो किसी रिलेशनशिप में आप हैं और अगर आपको अंदर से सही आवाज़ नहीं आ रही है, आपको चीज़ें ठीक नहीं लग रही, तो आप उसको इग्नोर ना करें। ड्रैगन फ्लाई कहता है ज़रूर चीज़ों को जानने की कोशिश करें, उनकी तह तक जाएं, या फिर अगर 2020 में आप किसी को मिलते हैं तो ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, फेस वैल्यू पे ना जाएं, चीज़ों को जानने की ज़रूरत करें, चीज़ों को जानने की कोशिश करें, और जब आप श्योर हों तभी आप आगे रिलेशनशिप में जाएं, क्योंकि अच्छे लोग भी मिल सकते हैं और बुरे लोग भी मिल सकते हैं 2020 में आप लोगों को। और अगर आप थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे तो डेफिनेटली जो भी आपके सोलमेट हैं आप उनसे मिल पाएंगे, और जो भी यू नो पार्टनर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं या जैसा भी आप अपनी लव लाइफ में चाहते हैं वो आप पा पाएंगे। तो ये थी पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए लव टैरो रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।